no care about gender. They said it very sensibly and women. Girls are vaccinated. अलग मुद्दे पर आते हैं। कश्मीर में हम इस बार देख रहे हैं रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है। ऐसे ऐसे इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है जहां पर ऐसा सोचा नहीं जा सकता था। इस पर आपका क्या आंकलन है, आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं चाहूंगा कि कश्मीर की जो स्थिति बदली है उसके संदर्भ में सबसे तो पहले मैं मेरे देश के न्याय तंत्र को प्रार्थना करना चाहता हूँ। पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी। कि अगर सरकार किसी काम को करने के लिए उसका एक डिजाइन होती है, उसकी एक स्ट्रेटजी होती है, ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए उस स्ट्रेटजी के तहत काम करना होता था। अब उसके लिए कभी मुझे इंटरनेट बंद करना पड़ा, कोई एनजीओ कोर्ट चला गया और वो बड़ा कोर्ट के अंदर बड़ा इशू बन गया। आज समझिए कि भले मैंने कुछ समय के लिए इंटरनेट बंद किया था, लेकिन आज बड़े गर्व के साथ वहाँ के बच्चे कहते हैं कि 5 साल से इंटरनेट बंद नहीं हुआ है, 5 साल से हमें सब सुविधाएं मिल रही है। कुछ दिन तकलीफ हुई लेकिन अच्छे काम के लिए हुई थी। अब वो अदालत के अंदर जब विवादों में चढ़ जाता है तब चीज़ें गड़बड़ा जाती है। तो ऐसे जो एनजीओ हैं जिन्होंने अदालतों के भरोसे लड़ाई लड़ना शुरू किया है, एक तो देश को उनसे बचाना बहुत ज़रूरी है, दूसरा वहाँ का सामान्य मानवी जब मतदान करता है ना तब वो सिर्फ किसी को जिताता ऐसा नहीं है जी, मतदान करता है मतलब भारत के संविधान को गले लगाता है, मतदान करता है तब भारत की सरकार बनाने में वो गर्व के साथ भागीदारी करता है, मतदान करता है मतलब कि भारत के सार्वभौमत्व के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करता है, दूसरा उनको विश्वास हुआ कि ये सरकार ऐसी है कि जहाँ फेयरनेस है, हम भरोसा कर सकते हैं कि ये सही होगा। और जब उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये कोई हेरा फेरी नहीं हो रही है तो वो पक्का वोट करने के लिए उत्साह से आता है। और उसका परिणाम है कि आज मतदान यानी 40-40 साल के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मेरे लिए बहुत सबसे बड़े संतोष की बात है कि मेरे कश्मीर के मेरे भाई बहन मेरे परिवारजन उमंग और उत्साह के साथ मतदान के लिए आगे आए, उन्होंने मतदान करके दुनिया को एक मैसेज दे दिया है जो लोग आशंकाएं करते थे। Well, I'm just going to be a little bit.